उल्लासनगर शहर में गंदी राजनीति होती है, शहर के लोगों को मालूम है। शहर के लोग ये भी जानते हैं जब महासभा होती है तो किस प्रकार से नेता एक दूसरे को मारने मरने पर आ जाते हैं। ये नौबत कई बार महासभा में आ चुकी है। ये जो विजुअल है, ये विजुअल पुराना है। हमने कई बार अपने न्यूज के माध्यम से शहर की राजनीति, शहर के लोगों को दर्शा चुके हैं किस प्रकार से सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष, हर व्यक्ति सत्ता का लोभी होता है। सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए कई नेता कुछ हद भी पार कर जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज जिस विषय पर आपके साथ मिलने के लिए आए हैं वो विषय इस प्रकार का है। स्थायी समिति के नए सदस्य अप्रैल में चुने गए थे, अब स्थायी समिति का चेयरमैन का चुनाव होना बाकी था। बीते साल भी इस प्रकार की उल्लासनगर में राजनीति हुई। बीजेपी पार्टी का स्थायी समिति का चेयरमैन बनने वाला था, जो प्रत्याशी बीजेपी ने तय किया था उसे वोट देने के लिए कहा गया था, मगर एक नेता ने बीजेपी पार्टी से बगावत करके अपने ओर से उन्होंने राजीनामा दिया, तो शिवसेना पार्टी ने एक नई चाल चलते हुए बीजेपी पार्टी के नगर सेवक विजू चाऊ पाटिल को अपने ओर से चेयरमैन यानी कि उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस बार फिर बीजेपी के पार्टी के पास स्थायी समिति के सबसे ज्यादा सदस्य है और इस बार भी बीजेपी पार्टी का चेयरमैन बनना तय था, मगर 6 तारीख के दिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा यानी कि यूडीआई डिपार्टमेंट की तरफ से उल्लासनगर महानगर पालिका को एक आदेश आता है। उस आदेश में ये लिखा होता है कि स्थायी समिति की जो पुरानी टीम है यानी कि जिसमें विजू पाटिल जी चेयरमैन थे, उस टीम को 1 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है, यानी कि पुरानी टीम अपने ओर से वह काम कर सकती है, पुराने सदस्य अपने ओर से वह काम कर सकते हैं। मगर ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि दूसरी टीम का गठन हो चुका है, यानी कि नए सदस्य तय किए जा चुके हैं और विजू पाटिल स्थायी समिति से बाहर हो चुके हैं, यानी उन्होंने अपना 2 साल का कार्यकाल वहां पर पूरा किया। दोबारा ऐसा आदेश जो आया है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने ओर से लीगल ओपिनियन लेके उच्च न्यायालय में पहुंच चुकी है। बीजेपी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार उल्लासनगर के लिए इस प्रकार का आदेश लाई है ताकि उल्लासनगर में जो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनना तय था उसे रुकवा सके। तो आइए जानते हैं उल्लासनगर के नेता, शिवसेना पार्टी के उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, उपमहापौर बगान बालेराव, पीओके पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम और बीजेपी पार्टी के नगर सेवक मनोज लासी क्या कहते हैं इन बातों पर। ये बात काफी गौर करने लायक है, आइए सुनते हैं और नेताओं की समझते हैं राजनीति। महाराष्ट्र सरकार का जो अध्यादेश आया है, ऑर्डर जो निकली है, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए निकली। महाराष्ट्र में कोविड का प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा है और वो रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार को चाहिए, वो निर्णय महाराष्ट्र सरकार ले सकती है, वो अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव कमिश्नर को भी जवाब मांगी था, जवाब पूछा है कि तुमने चुनाव क्यों लिया, अभी जो भी कुछ कोविड का बढ़ रहा है, कोविड का फैलाव हो रहा है, उसके लिए तुम जवाबदार है, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार, हमारे महाराष्ट्र में कोरोना प्रादुर्भाव बढ़े नहीं, कोरोना प्रादुर्भाव कंट्रोल में रहे, इसलिए जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लेती है। ऐसा ही ये निर्णय महानगर पालिका, नगर पालिका, पंचायत, नगर पंचायत, इनके लिए ये निर्णय लिया हुआ है और वो सभी पूरे महाराष्ट्र के लिए निर्णय है। जो पुराने सदस्य स्टैंडिंग कमेटी है, प्रभाग समिति है, इनके जो पुराने सदस्य है वो पुराने सदस्य को टाइम पीरियड बढ़ा के दिया है और जब तक कोविड का प्रादुर्भाव कम नहीं होता है तब तक ये पुराने सदस्य अपना कामकाज करेंगे, ऐसा ये ऑर्डर है। राज्य की सरकार से जो ये निर्णय आया है बहुत ही अच्छा निर्णय है। इस निर्णय का मैं, मेरी पक्ष, मेरी पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। ये निर्णय क्या कि जो कोविड के समय पर किसी भी चीज़ को स्टैंडिंग कमेटी में, किसी भी विषय को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में जाना है और वहाँ पर पास होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया जो होने वाली थी वो प्रक्रिया रुक चुकी थी, इसलिए कोविड के जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे टाउन हॉल हो गया, अनेक जो विषय थे वो अटक चुके थे, उस सभी विषयों को साथ में लेकर स्टैंडिंग में जाने के लिए राज्य सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है
और निर्णय का हम स्वागत करते हैं। आने वाला जो भी निर्णय लिया है बहुत ही जबरदस्त तरीके का निर्णय है, इससे शहर के विकास और कोविड की समस्याओं को लेकर गति मिलेगी और जो विजू पाटिल जी है जो हमारे पहले के सभापति थे और सदस्य थे वो बरकरार रहेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया राज्य की सरकार ने और इससे प्रशासन और शासन को दोनों को फायदा मिलेगा और शहरवासियों को भी लाभ मिलेगा इसका। भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के कुछ नेता है जो कोर्ट में जानबूझकर लेकर जाकर अपनी इम्पोर्टेंसी बढ़ाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और कोर्ट और राज्य सरकार के दोनों के दायरे अलग अलग है, राज्य सरकार के निर्णय में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते, मेरी व्यक्तिगत मुझे जो मालूमात है, पर कुछ लोगों को यहाँ पर आदत पड़ गई है कि जानबूझकर कोर्ट जाना और दिशाभूल करना और दिशाभूल करके शहर के विकास की गति को रोक देना, ये सब चीजें करने वालों पर आज राज्य की सरकार ने उनको मुंह पर तमाचा मारा है। आप क्या कहेंगे उल्लासनगर के चोटी वाले नेता के मंसूबे पर पानी फिर गया? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उनके मंसूबे पर पानी फिरा है, वो बार बार कोई भी निर्णय को लेकर कोर्ट जाते हैं, आज उनको पता चल गया कि राज्य सरकार क्या करती है और शहर के विकास की गति रोकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के गठन नेता जमनू पुरसवानी जी कोर्ट में चले गए हैं, कल उनकी आज तारीख थी, तारीख के पहले ये आदेश महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है कि बाबा जो जूने लोग हैं उनको ही कंटिन्यू किया जाए, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमारे जो विजय पाटिल जी जो सभापति थे उनका कार्यकाल ही खत्म हुआ है, खाली कार्यकाल का नहीं उनका सभासद ही रद्द हुआ है, कम हुआ है, तो वो कैसे वापस चेयरमैन बन सकते, पहली चीज़। दूसरी बात, जो सदस्य हमारा अपना उल्लासनगर महानगर पालिका का नया सदस्यों का चुनाव हुआ है और चुनाव वो सदस्य डिक्लेयर हुए, डिक्लेयर होने के बाद उनका नोटिफिकेशन निकला था चुनाव वोटिंग का यानी चुनाव का, वो रद्द करके ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो खाली उल्लासनगर महानगर पालिका का ही स्टैंडिंग का चुनाव था, हमारे सत्ताधारी पक्ष को लग रहा था कि बाबा अपन ये चुनाव हार जाएंगे इसीलिए ये नोटिफिकेशन निकाला होगा, लेकिन कोर्ट इसके आगे भी कोर्ट होती है, कोर्ट हमारा कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में जैसा आदेश आएगा तो वैसा हम लोग वो चुनाव होगा और वहाँ पे यहाँ पे बीजेपी आरपीआई युति का चेयरमैन होगा। सर आपको क्या लगता है कि महागाड़ी के तरफ से ये जानबूझ के ऐसा आदेश पारित हुआ है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के सदस्य ज़्यादा चुन के आए हैं? वो तो बराबर है क्योंकि देखा जाए तो खाली उल्लासनगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर उल्लासनगर महानगर पालिका का स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव बाकी है, बाकी सब चुनाव हुए, ये जानबूझ के लेट निकाला और उसको ब्रेक देने का काम किया है। धन्यवाद सर। देखिए पहले ही यहाँ पर सत्ता पक्ष जो है शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस इतर पक्ष उन लोगों की मनमानी चल रही है कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और अभी तो भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई हम सबके पास हमारे पास दोनों के पास बहुमत है, चाहे वो स्थायी समिति हो या विशेष समितियाँ हों या प्रभाग समितियाँ हों, पर इस बात को देखते हुए जानबूझ के समय को पहले भी ढकेला गया है, आगे लैंगॉन किया गया है, मीटिंगें नहीं लगाई गई है, अभी तो कोरोना का समय है तो ये कोरोना का जो दूसरी लहर है अब आई है, वहाँ से गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, हमने स्थायी समिति का प्रोसेस स्टार्ट किया और वो प्रोसेस चला, हमने नए सदस्य जो भी सभी पक्षों ने महासभा में कलेक्टर के सामने सभी महापौर के सामने सभी नए सदस्य दिए हैं। अभी हाल ही में कल एक ऑर्डर आया है 6 तारीख को नगर विकास से कि कोरोना के इस प्रादुर्भाव को देखते हुए इस असर को देखते हुए जितने भी स्थायी समिति हो या विशेष समितियां हो या प्रभाग समितियां हो उनमें जो भी पुराने चेयरमैन है उनको 1 महीने के लिए कंटिन्यू किया गया है, पर उल्लासनगर का जो केस है वो अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो सदस्य चेयरमैन थे पुराने विजू चाऊ पाटिल जी वो अभी सदस्य ही नहीं रहे हैं, उनका कार्यकाल 2 साल का ख़त्म हो चुका है और महासभा में ऑफिशियली हमने सभी पक्षों ने नए नए सदस्य दिए हैं जिनको जो जो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, पर अभी जब वो सदस्य ही नहीं है तो वो चेयरमैन कंटिन्यू 1 महीना कैसा कर सकते हैं। इसी बात को देखते हुए हमने माननीय हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है जो कोरोना के कारण थोड़ा लंबा लग नहीं रही है, पिटीशन लग नहीं रही है, आने वाले मंगलवार तक उसमें सुनवाई होगी। अभी ये जो एडिशनल यूडी का ऑर्डर आया है उसको भी हमने जोड़ा है कि बाकी महानगर पालिकाओं में जो भी पुराने चेयरमैन थे उनका कार्यकाल बाकी था, नए सदस्य नहीं थे, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनका कार्यकाल चल सकता है, शहर में रुके हुए काम विशेष कोरोना के बहुत सारे डिसीजन हमको लेने हैं,
तीसरी लाट आने वाली है उसके लिए इंजेक्शन रेमडेसिविर का प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे से हमें डिसीजन लेने हैं, पर स्थायी समिति का अध्यक्ष न होने के कारण हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये पिटीशन हमने डाली है, देखें अभी माननीय हाईकोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेती है। हमने ये प्रयोग किया है कि यहाँ पे जल्द से जल्द अध्यक्ष का सभापति का चुनाव कराया जाए और जो भी महत्वपूर्ण कोरोना के विषय हैं उनके ऊपर डिसीजन लिया जाए और लोगों को राहत दी जाए। देखिए माननीय हाईकोर्ट इसमें अभी क्या संज्ञान लेती है।